वेलकम बैक, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, संविदा शिक्षक से संबंधित सबसे लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं मैं, और अपडेट क्या है इस विषय को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। दोस्तों, आपको एक बात की जानकारी मैं यहां पर देता हूं कि हमारे द्वारा संविदा शिक्षक के लिए वीडियो सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अलावा पर्यावरण और भी जो भी सब्जेक्ट हैं सारे विषय में हमने यहाँ पर वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। यदि आप उन वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप जो है उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसकी अपडेट है क्या। अपडेट यह है कि शिक्षा विभाग ने व्यापम के पास में सूची पहुंचा दी है 30,000 पदों की भर्ती के लिए। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कौन से वर्ग के लिए कितनी यहां पर वैकेंसी दी है, ठीक है। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, और दूसरी बात यहां पर इम्पॉर्टेंट है कि जो अब इस बार जो संविदा शिक्षक की भर्ती नहीं होगी, इस बार सीधे नियमित शिक्षकों की भर्ती ली जाएगी, ठीक है, ना कि संविदा शिक्षकों की, ठीक है। और यह जो काम होगा यह होगा 20 साल के बाद में, ठीक है। 20 साल पहले मतलब कि 1998 में इससे पहले जो है जो सीधी भर्ती ली गई थी कई की टीचरों की, इसके बाद से यहाँ पर एमपी में संविदा शिक्षकों की भर्ती होती थी, लेकिन इस बार इसको फिर से चेंज करके इस बार जो है नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। चलिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं यहाँ पर कि जो पीईबी के अधिकारी हैं, यहाँ पर कंट्रोलर हैं जो एके भदौरिया, इनका कहना है, देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में विभाग ने सूची पहुँचा दी है, ठीक है, और कितने पद हैं इस बारे में भी उन्होंने बता दिया है, ठीक है, और हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन इसका अप्रूवल अभी नहीं आया, मतलब अप्रूवल किसी भी समय इसका आ सकता है। मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी बोला था कि अधिकारियों को कि 15 अगस्त से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, तो हम 15 अगस्त तक का वेट कर लेते हैं, 15 अगस्त से पहले किसी भी समय जो है इसका संविदा शिक्षक का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि देखिए संविदा शिक्षक, इनका कहना है के भदौरिया का कि परीक्षा तिथि के पूर्व हमें 45 दिन का समय चाहिए होता है, ठीक है, तो इनको 45 दिन का समय चाहिए। यहाँ पर आशंका जताई जा रही है इस बात की कि चुनाव हैं तो इनकी भर्ती कैसी होगी, लेकिन इस बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए यदि आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो एग्ज़ाम जो है किसी भी समय कंडक्ट कराया, मतलब कराया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले कि इसमें कौन से वर्ग में कितनी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, यहाँ पर आप देखिए सबसे नीचे कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में जो है यहाँ पर 10,000 पद इसके लिए निकले हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के लिए जो है यहाँ पर 11,200 पद निकले हैं, और यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक श्रेणी में जो है 9,200 पद निकाले गए हैं। मतलब इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि जो भर्ती होने वाली है लगभग 7-8 साल के बाद होने वाली है, और पिछले बार से जो पद है वह यहाँ पर कम है, लेकिन पदों में बढ़ोतरी आगे हो सकती है, लेकिन संभावना कम है, ठीक है। तो इस बार जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्पिटिशन रहने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल अभी यदि जो कर रहे हैं तो उसको बढ़ा दीजिए 2 से 3 घंटा, और इसके लिए हमने भी जो है कमर कस ली है, और हमने जो है पूरी वीडियो सीरीज इसके लिए बना दी है, ठीक है। तो आप यदि हमसे वीडियो सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए, पर्यावरण के लिए, और भी जो सेपरेट सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी वीडियो सीरीज हमने बनाई है, तो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं, तो नंबर में आप संपर्क करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह जानकारी, यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।